बाहर के देशों में जिस तरह से आर्टिजन्स को एक महत्व दिया जाता है, जिस तरह से उसके काम को और उसको जो पहचान दी जाती है, वो हमारे भारत में उतनी ज़्यादा नहीं है। आज भी उसको उस लेवल पे नहीं देखा जाता। यदि ये सोचे कि एग्रीकल्चर के बाद क्राफ्ट सेक्टर सेकेंड लार्जेस्ट सेक्टर है, लेकिन उस सेक्टर की जितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए थी वो हुई नहीं है। तो कहीं ना कहीं कुछ संस्थाएं और ये सब लोग कोशिश तो है कि हम उसे मासेस तक लाएं, बट मासेस तक लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक कारीगर को जितनी जो चीज़ मिलती है वही चीज़ कॉपी होके यदि जल्दी से दूसरे लोग बना देंगे तो मासेस के लिए तो कभी भी नहीं बन पाएंगे। जैसा कि मैंने, आप देखेंगे कि इक्कत का कुर्ता पहना हुआ है, इक्कत जो कि आंध्रा से होता है। आज की डेट में मार्केट में देखेंगे तो इसी प्रिंट को वो ब्लॉक प्रिंटिंग में या स्क्रीन प्रिंट करके वीविंग की चीज़ को प्रिंटिंग में उतार रहे हैं मार्केट में। तो वो क्राफ्ट को धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, मर रहा है, और जो वीवर करने वाला है वो मेहनत करके कपड़ा यदि 200 रुपये मीटर बनेगा उसकी उतनी मेहनत लगेगी, तो वो मार्केट को स्पॉइल करने के दूसरे लोग सिर्फ डिज़ाइन कॉपी करके उसको प्रिंट निकाल देंगे और 80 रुपये मीटर बेच देंगे। तो मार्केट धीरे धीरे वो ख़राब कर रहे हैं, और हमारी कोशिश है इनको, वो कारीगर जो इनसे जुड़े हुए हैं उनकी लाइवलीहुड बनी रहे, उनको ज़िंदा रख सके। दस्तकार कुछ तकरीबन 40 साल पुरानी संस्था है, और इसी मकसद से शुरू की गई थी कि जो क्राफ्ट पर्सन हैं वो रूरल एरिया में काम कर रहे हैं, क्राफ्ट है, सरवाइव कर रहा है, लेकिन मेन इंडिया के साथ नहीं जुड़ा हुआ। अर्बन मार्केट में अर्बन लोगों को पता ही नहीं है कि हमारी धरोहर क्या है, हमारा हेरिटेज क्या है। तो उसको जोड़ने के लिए संस्था की शुरुआत की गई, और उसको जोड़ने का बेस्ट तरीका यही है कि उनको जिस भी तरह से हेल्प करो, अल्टीमेटली उनको अपना प्रोडक्ट बेचना है। तो प्रोडक्ट बेचने के लिए इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाने लगे। हर इवेंट जो है दूसरे इवेंट से हटकर है, कोई ना कोई थीम पर आधारित है। अब सिंस ये मॉनसून का टाइम है तो ये मॉनसून नाम इसका रखा गया है। इसमें तकरीबन 80 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं। इसमें हर तरह का क्राफ्ट है, इसमें ब्लॉक प्रिंटिंग है, एम्ब्रॉयडरी है, गारमेंट्स वेरियस तरह के हैं, ज्वेलरी भी वेरियस तरह की है, फुटवेयर्स की सिलेक्शन भी काफ़ी वैरायटी में है। तो बैग्स भी आप देखेंगे, फाइबर के बैग्स हैं, कपड़े के बैग्स हैं, तो काफ़ी मिक्स सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। आज की रेट में सिनेरियो थोड़ा सा बदल गया है कि हैंडीक्राफ्ट हालांकि हमेशा से था कि जब राजा महाराजाओं के ज़माने में भी वो हाथ का काम करवाते थे क्योंकि उसमें मेहनत जाती थी, तो वो हमेशा से क्लासेस के लिए बना रहा, आम जनता के लिए कभी नहीं बन पाया। तो शायद वो कभी फ़र्क ज़रूरी भी था क्योंकि आम लोग बना रहे थे और ख़ास लोग पहन रहे थे, तो वो फ़र्क अब तक कायम है। तो ये एक क्वेश्चन डिबेटेबल है जो चलता ही रहेगा, जिसका कोई अंत नहीं है, बट हाँ ये फैक्ट है कि ये एक नीश मार्केट के लिए ही क्राफ्ट्स रह गए।